वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है ट्यूजडे और ये एक नया ब्लॉग है। हम लोग टोरंटो आए हुए हैं क्योंकि मैंने अपनी बहन को पिक करना था एयरपोर्ट से, वो पाकिस्तान से वापस आ रही है। फिर हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग की थोड़ी सी और अब हम मॉल जा रहे हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम है वहाँ से निकलने में। तो दैट्स व्हाट आई एम अप टू। काफ़ी सारी चीज़ें देख रही हूँ। सो हम लोग एक और मॉल में आ गए, हम घर वापस आ गए हैं, मतलब अपने शहर में वापस आ गए हैं और हम एक मॉल में यहाँ पर घूमने आए हैं जिसका नाम पेन सेंटर है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्टारबक्स ले रहे हैं अभी, तो उनका वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम शायद थोड़ी सी शॉपिंग करें। ऐसे मेरा पता नहीं घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हम सोचे कि चलो थोड़ा सा बाहर ही घूम लेते हैं। सो वी डूइंग दैट। माई ड्रिंक, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका मीठा खाने का दिल करता है तो कैरेमल फ्रैपुचिनो से ज़्यादा मज़े की कोई चीज़ नहीं लगती। आई स्वेयर इट्स सो गुड। अच्छा, सो अभी हम इस सेक्शन में आए हुए हैं जहाँ पे पैम्पर्स वगैरह होते हैं। हमने अभी तक पैम्पर्स नहीं लिए बेबी के लिए, मैंने ले लिए, सॉरी इन्होंने ले लिए। अब हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे थे कि हमें कौन सा साइज़ लेना चाहिए, न्यू बॉर्न वाला लेना चाहिए कि फ़र्स्ट लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि न्यू बॉर्न वाला जो साइज़ होता है वो अगर आप बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लो वो पैम्पर्स, तो वो मतलब अगर बेबी आउट ग्रो बहुत जल्दी कर लेता है उनको। तो नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड। मेरे हस्बैंड के हिसाब से हमें साइज़ 1 लेना चाहिए और मेरे हिसाब से हमें दोनों लेने चाहिए। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। एंड हम देख रहे हैं कि और कोई छोटी मोटी चीज़ है जो मुझे हॉस्पिटल बैग में डालनी चाहिए। वाइप्स ले चुके हैं, वाइप्स। ओह ओके, मेरे एक्स्ट्रा एक्साइटेड हस्बैंड जो है ना। सो गाइस, मैं होम स्वीट होम वापस आ गई हूँ एंड आई एम रियली रियली टायर्ड। सो बहुत कुछ है जो मुझे संभालना है, थोड़ी सी जो हमने शॉपिंग की थी वो भी, और ग्रोसरी शॉपिंग की थी थोड़ी सी, ग्रोसरी नहीं, मोस्टली स्नैक्स हैं। वह हम इकबाल स्टोर अगेन वहाँ गए थे, इकबाल स्टोर दोबारा गए थे, तो वहाँ की चीज़ें। और मेरी बहन पाकिस्तान से काफ़ी चीज़ें लाई है, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे काफ़ी गिफ्ट्स भेजे हैं, सो आई एम एक्साइटेड टू लुक एट देम। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बट आई डोंट नो आज करूँगी कि कल करूँगी। मिनीसो भी गई थी मैं और वहाँ से भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, तो वो भी शेयर करूँगी। सो लेट्स सी क्या करती हूँ। इकबाल स्टोर से ये सारी चीज़ें लाई थी। सो टेंडर पॉप्स लाई हूँ और सीख कबाब, काफ्ता कबाब वगैरह, और कुल्फ़ी ली है। मेरे हस्बैंड को मैंगो कुल्फ़ी चाहिए थी और मैंने ये ली है मलाई वाली कुल्फ़ी। शीरमाल लिए हैं, समोसे बनाने वाली शीट्स लिए हैं क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती हूँ ख़ुद बनाना। चिकन स्प्रेड लिया है, इस दफ़ा मैंने ये वाली चटनी ली है। मेरे हस्बैंड ने ये लिए हैं चिप्स, मुझे नहीं अच्छे लगते। एक्लेयर्स लिए है, गाला बिस्किट, कोकोमो, रियो, बस ये थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। दैट वाज ऑल जो मैंने खाने पीने की थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज है वेंसडे और रात को मैंने मज़ीद व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मैं थक गई थी और घर के छोटे छोटे काम करने थे तो उनमें बिजी हो गई थी। खैर, अब आई एम गोना हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ जो पाकिस्तान से आई हैं और जो कल मैंने मिनीसो से ली हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। गाइस हाय अगेन, अब वो आए हैं मुझे लेने के लिए। आई एम गोना गो एंड देन आई एम गोना कम बैक एंड शो यू स्टफ, और शायद मैं आज सफोरा भी जाऊँ, तो अगर आप लोग वो वाला सारा सीन देखना चाहते हो तो आप लोगों को नजर आएगा। ज़ाया करने का सख्त दिल कर रहा है, वो खड़े हुए पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं।
मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ. तो मेरे हस्बैंड जो थे उनको मैंने एक दफ़ा बोला था कि मुझे वेडिंग बैंड चाहिए मेरी डायमंड की रिंग के साथ. तो अभी उन्होंने मुझे सरप्राइज समझ लो देने की कोशिश की थी, बट उनको मेरा रिंग साइज़ नहीं पता था तो उस वजह से मुझे आना पड़ा. एंड अब वो ज़बरदस्ती मुझे लेके दे रहे हैं और मैं आप लोगों को घर जा कर दिखाऊँगी कि वो रिंग कैसी है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं इतनी ज़्यादा प्यार आप लोगों को नज़र आ रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक. तो आज मेरे अम्मी अबू ने एक फैमिली है, उनके बेटा बेटे की शादी हुई थी तो उनकी दावत की शादी वाली जो दावत होती है तो मैं उधर ही जा रही हूँ. थोड़ा सा लेट हो गया, होपफुली आई मेक इट. सो सी यू इन अ बिट. अच्छा, सो मैं घर वापस आ गई हूँ. बहुत अच्छा खाना था, एवरीथिंग वॉज रियली नाइस. मैंने सोचा मैं अपना ड्रेस दिखा दूँ आप लोगों को क्योंकि मैंने दिखाया नहीं था. और मेकअप मैं शूट करना चाहती थी बट देर हो रही थी सो जैसे मैं कर नहीं सकी. तो लेट मी शो यू गाइस मेरा ड्रेस. सारा शिफॉन का है, इस पर कढ़ाई हुई भी है, ये दुपट्टा है इसका. एंड दैट वाज प्रीटी मच, हाँ जी, एंड इट वाज गिवन टू मी बाय माय ससुराल. सो या दैट वाज इट. और मैंने आप लोगों को मीनीसो से जो चीज़ें लाई थी वो दिखानी है. सो मैं चेंज वगैरह करती हूँ या मैं चेंज किए बगैर ही शायद आपको दिखा दूँ. I'll be back. अच्छा, सो मैं बैठ गई हूँ आप लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए मिनीसो से जो मैंने ली थी. तो मैं आप लोगों को वन बाय वन मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया. सो मैंने ये कंटेनर्स लिए अपनी वैनिटी की ड्रॉर्स में रखने के लिए. इसके अंदर मैं अपने जो मेकअप वगैरह है वो रखूँगी. ये मैंने लिए, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये मैंने लिए. आई थिंक मैंने 4 लिए ये क्योंकि मेरे पास काफ़ी मेकअप रखने के लिए. मेरे हस्बैंड ने ये कार का जो फ्रेशनर होता है एयर फ्रेशनर टाइप चीज़ वो लिया है. ये एक और 4 लिए हैं मैंने ये. और मैंने एक ये मिनीसो से ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र वाला ये बॉक्स लिया है. मेरे पास काफ़ी छोटी छोटी ज्वेलरी है सोने की भी और आर्टिफिशियल भी, तो मुझे काफ़ी क्यूट सा लगा था इस वजह से मैंने ये लिया है. तो मैंने ये एक लिंट रिमूवर भी लिया है. जो वूल के स्वेटर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुर सी आ गई है. जितने मर्जी महंगे स्वेटर्स ले लो उन पे बुर आ जाती है. अगर इसने काम किया तो मैं आप लोगों को बताऊँगी. मैंने वहाँ से आई लैशेज भी लिए हैं. आप लोगों में से अगर कभी किसी ने आई लैशेज यूज़ किए मिनीसो के तो मुझे बताना. ये वहाँ पर सस्ती थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या जाता है. मैंने वहाँ से ये एलोवेरा बैलेंसिंग स्प्रे, वाटरी सूदिंग योर स्किन, मॉइस्चराइजिंग रिफ्रेश, सॉरी, और ये स्प्रे भी लिया है वहाँ से. मुझे अच्छा लग रहा था. आई थिंक मैंने निशू खान को इस तरह के मिनीसो के किसी स्प्रे के बारे में बात करते हुए देखा था तो मैंने ये ले लिया. एंड दैट वॉज प्रीटी मच इट जो मैंने मिनीसो से लिया. अब मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे पाकिस्तान से आई हैं. मुझे बेबी की काफ़ी चीज़ें आई हैं बट अगर मैंने बेबी के कपड़े आप लोगों को दिखा दिए तो आप लोगों को बेबी का जेंडर पता चल जाएगा विच आई डोंट वॉन्ट. तो मैं उसकी चीज़ें आपको फिर कभी दिखाऊँगी जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेबी ही और शी है. तो उसके बाद आई शो यू दैट, बट मेरी अपनी जो चीज़ें वो मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा, सो मेरे जो इन लॉज हैं मामा और पापा, उन्होंने मेरे लिए लॉन के कपड़े भेजे हैं. शदीद क्योंकि मुझे शदीद ज़रूरत थी लॉन के कपड़ों के. उन्होंने इतने प्यारे कपड़े भेजे हैं, लाइक द कलर्स आई लव. जो स्टिचिंग हुई है वो भी बहुत बहुत अच्छी हुई है. आई एम इन लव एंड आई कैन नॉट वेट टू वेयर दैम. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक. अब मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैंने इन सबको खोला तो दोबारा तय करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है. बट ये सारे 3-piece सूट हैं और शिफॉन दुपट्टे वाले हैं मोस्टली एंड एम्ब्रॉयडर्ड है. सो आई विल शो यू गाइज. फर्स्ट वन ये इसकी शर्ट है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई ऐसे पूरी, इसका दुपट्टा है एंड शलवार. दिस वन आई लव, ये मुझे इतना पसंद आया है. इसका ये दुपट्टा है शिफॉन का और इसकी जो प्रिंटेड शलवार है पजामा व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आई एम इन लव विद इट. और ये वाला भी कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा है. ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसकी दामन पे बाकी एम्ब्रॉयडरी है. ये इसका दुपट्टा है और ये इसका पजामा. और ये वाला कलर भी समझ में बहुत अच्छा लगता है. इसके साथ वो
इसके साथ का जो दुपट्टा है वो नेट का है, जो मोटी वाली अच्छी वाली नेट होती है वो है, और ये इसकी शलवार है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये एक स्विस लॉन का भी जोड़ा भेजा है जो कि येलो कलर है, और येलो कलर मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। सो ये सारे कपड़े हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। अच्छा, सो ये एक फ्रॉक है जो कि एथनिक का है आई थिंक, यप, ये मेरी बहन मेरे लिए लाई थी। और एक और शर्ट है, एक शर्ट है जो मेरे मामू मामी ने मेरे लिए भेजी है, मारिया बी की। इट्स ब्लैक और ये ऐसे इसकी स्लीव्स इतनी प्यारी हैं, डिसेंट सी, और नीचे भी ऐसे फ्रिल सी बनी हुई है। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर और उनको पता है, सो दैट्स अ क्लासिक, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक। मैं अपने इन कपड़ों को लेकर तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बट रखने की जगह नहीं है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। बट खैर, बेबी के लिए मेरे सारी फैमिली जो पाकिस्तान में, उन लोगों ने बहुत सारे कपड़े भेजे हैं, बट आई कैन नॉट शो यू गाइज क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को दिखा दिए तो जेंडर रिवील हो जाएगा बेबी का। सो इस वजह से मैं ऐसा करूंगी कि अगर मैंने अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में जेंडर रिवील किया तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बेबी के बहुत क्यूट कपड़े हैं। और एक तो इतनी क्यूट सी चीज़ है जो बेबी की खाला जो कि मेरी बहन है वो लाई है, एंड इट्स सो सो अडोरेबल। मगर बेबी का जेंडर मैंने डिसाइड किया रिवील करने का यूट्यूब पर, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड या दैट वॉज प्रीटी मच इट जो पाकिस्तान से चीज़ें आई। दो मेकअप प्रोडक्ट्स भी मैंने अपनी बहन से मंगवाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा था कि वो मेरे लिए ये क्रायोलॉन की जो टीवी स्टिक होती है, टीवी स्टिक की कहते हो उसको, क्या कहते हो, यू गाइज नो इसको क्या कहते हैं, ये मंगवाई थी रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें भी सुनी और बहुत बुरी बातें भी सुनी, और मैं हमेशा से क्यूरियस थी कि ये कैसी होगी। और मैंने अपने लिए ये लाइनर भी मंगवाया है। जल्दी से याद आया कि मैंने आप लोगों को कल जो मेरे हस्बैंड ने मुझे जो वेडिंग बैंड लेके दिया था वो आप लोगों को नहीं दिखाया था। सो दिस इज़ द वेडिंग बैंड, ये सारे इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं। आई डोंट थिंक इट्स फोकसिंग, सो ये वेडिंग बैंड था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे कल लेके दिया। मेरी ये रिंग है डायमंड की, अगर आप लोग कनाडा में रहते हो या बाहर रहते हो तो आप लोगों को वेरा वैंग एक डिज़ाइनर है, ज्वेलरी डिज़ाइनर, उसकी ये रिंग है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसके नीचे ये एक स्टोन सा भी लगा हुआ है, इट्स रियली एक्सपेंसिव एंड इट्स रियली प्रिटी। तो इसके साथ जो था मुझे वेडिंग बैंड चाहिए था। मैं तो सादा सा वेडिंग बैंड चाहती थी जिसपे कुछ डायमंड्स वगैरह ना हो, कुछ भी नग वगैरह ना हो, बट मेरे हस्बैंड जो थे जिद करे थे इसके, हल्की क्लिप्स ऐड किए तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो खैर, ये एक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी। एंड मेकअप भी मैंने सोफोरा से लिया था जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। अच्छा, सो कल जो था मैंने हुर्दा ब्यूटी का ये फाउंडेशन लिया था इन द शेड 310G, ये आज मैंने अपने फेस पे अभी यही लगाया हुआ है। और मैंने एक पैलेट ली थी, आई शेडो पैलेट, ये अनस्ताजिया की आई शेडो पैलेट है विच इज़ रियली रियली प्रिटी। मैं इसकी कोई पिक्चर ऐड कर दूँगी टू गिव यू गाइज एन आइडिया कि ये कैसी है। तो मुझे सांस चढ़ी है और मुझे ये ब्लॉग एंड करना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों की काफ़ी सारी क्लिप्स हैं जो मुझे एडिट करने में मसला होगा। सो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एवरी टाइम आई पोस्ट। और प्लीज़ कॉमेंट्स किया करें, मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हर बंदे को रिप्लाई करती हूँ कॉमेंट्स में। एंड या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।